हेलो दोस्तों, आइए आज जानते हैं तरबूज के फायदे। गर्मी के मौसम में मिलने वाला यह फल अपने गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल कर लोग गर्मी में तरोताज़ा महसूस करते हैं। तरबूज को हम सभी लोग जानते हैं और यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गर्मियों में बड़े चाव से खाया जाने वाला यह फल लगभग दुनिया में हर जगह मिलता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के अलावा कई सारे मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या-क्या फायदे हैं। तरबूज मोटापा कम करता है। तरबूज का इस्तेमाल मोटापा को कम करने में मददगार हो सकता है, इसमें पाए जाने वाले तत्वों की वजह से। तरबूज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है, आँखों को स्वस्थ रखता है और आँख की रोशनी बढ़ाता है। मूड ठीक करता है। जिन लोगों में तनाव के कारण मूड ठीक नहीं रहता, उनके लिए तरबूज का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद है। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके लिए भी यह लाभकारी है। तरबूज किडनी को हेल्दी रखता है, दिल को मजबूत करता है और कैंसर से बचाव करता है। तरबूज बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और सेक्सुअल पावर को बनाए रखता है और इसे मजबूती देता है। भूख बढ़ाता है और हाजमा ठीक करता है। तरबूज जो है सुंदरता यानी ब्यूटी को भी बढ़ाता है, चेहरे के काले धब्बे को मिटाता है। इसके लिए इसके गूदे का लेप चेहरे पर लगाना चाहिए। बालों को झड़ने से रोकता है। तरबूज का ये भी फायदा है। अगर आप खाना खाने के बाद तरबूज का जूस पियेंगे तो खाना जल्दी हजम हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। यह आपको बता दूं कि तरबूज के बीज भी फायदेमंद होते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तरबूज के बीज भी विटामिन और मिनरल्स से भरे होते हैं और इसी वजह से इसके बीज का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। तरबूज के बीज का इस्तेमाल किडनी और पेशाब की बीमारी में किया जाता है। इसके बीज खाने या बीज के तेल को लगाने से आपकी स्किन मुलायम और चमकदार होती है। कील मुहासों के लिए इसके बीज का तेल चेहरे पर लगाने से फायदा होता है। तरबूज के बीज को उबाल कर चाय की तरह पीने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जिनका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होते रहता है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। उनको तरबूज के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए चाय की तरह बना करके। तो दोस्तों, आपने जाना तरबूज के फायदे। और नई जानकारी के लिए प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए।